पूरे शहर में ये इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है पूरे जमालपुर में, ये प्लेस आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा भैया? मैं एक नंबर जबरदस्त, शहर का रौनक है। रेस्टोरेंट का जो भी चीज अभी हम तक खाए भाई सब एक नंबर। जमालपुर वासी हमारे बहुत सहयोगी किए, बहुत अच्छे मित्र देखे और सारे लोग से बहुत अच्छा प्रेम भाव मिला हमें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। गाइस, तो आज आपका भाई पहुंच चुका है जमालपुर। ये है रेलवे स्टेशन, देखे होंगे जरूर कहीं ना कहीं। तो गाइस फाइनली जमालपुर पहुंच चुके हैं और जमालपुर आने का एक खास बात यह है गाइस कि जमालपुर में सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत था उसका आज उद्घाटन होने वाला है। तो जैसे हमें पता चला सीधा आपका भाई जमालपुर पहुंच चुका है, क्योंकि गाइस जमालपुर में एक ढंग का एक अच्छा रेस्टोरेंट का जरूरत था, जो कि था नहीं। हम भी आते थे तो इधर उधर ही भटकते थे, लेकिन आज हमें जैसे ही पता चला कि जमालपुर में एक अच्छा रेस्टोरेंट का ओपनिंग होने वाला, हम सीधा आ चुके हैं। और आपका भाई को जहां बुलाया जाता है वहां पे वो मना नहीं करता, आ ही जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला गाइस, क्योंकि इस शहर में ऐसा रेस्टोरेंट एक भी नहीं है और आज उसका ओपनिंग होने वाला है। तो आखिर क्या खास जयदुर्ग खुलने वाला है रेस्टोरेंट, चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं, सभी कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। सो व्लॉग में हमारे साथ बने रहिए। जब जमालपुर रेलवे स्टेशन से बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारा होटल मिल जाएगा, लेकिन गाइस अगर ढंग का खाने का तलाश कर रहे हैं तो अभी हम जहाँ पे जाने वाले हैं ये आप सभी के लिए बहुत ही खास हो सकता है गाइस। गाइस तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जय दुर्गे मिस्टर भंडार, आप देख सकते हैं यही है जय दुर्गे मिस्टर भंडार। कहीं ना कहीं अगर आप जमालपुर से हो तो कभी ना कभी आप ये देखे जरूर होंगे, लेकिन आपको बता दें गाइस अब ये मिस्टर भंडार के साथ साथ रेस्टोरेंट भी ओपन हो चुका है गाइस। कभी आप आए होंगे तो अब जब आप आइएगा तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जय दुर्गे मिस्टर भंडार के अंदर जाने से पहले गाइस प्रॉपर एड्रेस बताते हैं, जमालपुर से जुगली बेल वाले मोड़ पे आप आइएगा तो ठीक सामने में आप लोगों को ये जय दुर्गे दिख जाएगा। तो गाइस नाम इतना यूनिक है, समझ रहे हैं ना इसके अंदर इंटीरियर कैसा होने वाला है, फूड्स कितना अवेलेबल होने वाला, तो सभी कुछ आप लोगों को जबरदस्त होने वाला। आपको बता दें गाइस भागलपुर में तो बहुत सारा रेस्टोरेंट आपको नजर आता होगा, लेकिन जमालपुर पूरे शहर में ये इकलौता ऐसा रेस्टोरेंट है जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास सभी चीज़ देने वाला है, फूड के साथ साथ इंटीरियर के साथ साथ पूरा फैसिलिटीज बहुत ही फाइव स्टार वाला देने वाले हैं। तो चलते हैं अंदर और सबसे पहले हम आप लोगों को ओपनिंग दिखाते हैं कि अभी ही इसका ओपनिंग होने वाला देखिए। जयदुर्ग रेस्टोरेंट के अंदर इन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्ट अंदर जब जाते हैं तो यहाँ से इन करते हैं। तो ये है रास्ता पूरा रेस्टोरेंट जाने का, देखिए तो काफी खूबसूरत बनाया गया है। ऊपर जाने के बाद आप जब देखिएगा ना तो मजा आ जाएगा। ये है सिर्फ ये सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे आपको सबसे पहले सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद सभी लोग ऊपर आ चुके हैं। यह है मेन गेट अंदर जाने का, रेस्टोरेंट के अंदर जाने का, और यहाँ पे दिखाई लव यू लिखा हुआ है। सो गाइस फाइनली हम जय दुर्ग रेस्टोरेंट के ऊपर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये है पूरा रेस्टोरेंट। देखिए गाइस इंटीरियर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंटीरियर है, आप डिज़ाइन देख सकते हैं जितना खूबसूरत, जितनी तारीफ करें उतना ये कम पड़ेगा। तो ये है गाइस एंट्री गेट। फाइनली गाइस जब आप जय दुर्गे रेस्टोरेंट के अंदर इन कीजिएगा तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा विलिंग काउंटर, और यहाँ से फिर शुरू होता है रेस्टोरेंट। देखिए ये सेल्फी पॉइंट है, आने वाले समय में भी अच्छा हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, ये बर्थडे के लिए बहुत ही स्पेशल है, आप यहाँ पे बर्थडे या किसी भी पार्टी को अच्छे सेलिब्रेट कर सकते हैं। बाकी ये सारा एरिया है जहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आप लोगों को खाने के लिए मिलेगा। आज तो सबसे पहले हम आप लोगों को मिलाते हैं इस रेस्टोरेंट का ऑनर साहब से। सर कैसे हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम डब्लू ऐसे ऐसे सिमरान प्रसाद। अच्छा कितना दिन पहले से आपका ये रेस्टोरेंट है? मेरा रेस्टोरेंट तो ये आज ही ओपनिंग किया है। नहीं इससे पहले वाले? पहले वाला तो हमारा 2006 में ओपनिंग किए थे। 2006 में? हाँ 2006 में जी। और मिठाई का दुकान 2004 में 18 अगस्त को ओपनिंग किया। मतलब इतना दिन से जमालपुर वासियों का दिल जीतते आ रहे ना। ये और क्या प्लान है, और भी जगह पे खोलने का? और कुछ प्लान है इसके बाद कुछ और करने का है, बेकरी वगैरह कुछ और देखते हैं।
क्या कहना चाहते हैं जमालपुर वासियों? जमालपुर वासी हमारे बहुत सहयोगी किए, बहुत अच्छे मित्र देखे और सारे लोग से बहुत अच्छा प्रेम भाव मिला हमें, और प्रशासन की तरफ से, हमारे शहरवासी दोस्त की तरफ से, जितने भी लोग हैं सभी हमें अच्छे तरह से देखे और सहयोग किए। तो गाइस आपको बता दीजिए, रेस्टोरेंट नया नहीं है बल्कि काफ़ी दिनों से भागलपुर जमालपुर वासियों का दिल जीतते हुए आ रहे हैं, तो आप लोग भी आइए। इस पूरे जमालपुर में ये प्लेस आप लोगों के लिए बहुत ही खास हो सकता है गाइस, क्योंकि रेस्टोरेंट तो था ही लेकिन ऐसा रेस्टोरेंट का जरूरत था जो कि अभी तक इस शहर में नहीं है। ये शहर का ये पहला ऐसा रेस्टोरेंट जो कि इतना सुंदर तरीके से बना हुआ है। बाकी गाइस फूड भी इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि जो भी आप लोगों को खाने का मन हो वो सारा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी जस्ट इसका ओपनिंग हुआ है और आप लोगों को फर्स्ट लुक दिखा रहे हैं जय दुर्गे रेस्टोरेंट का। तो भाई ये देखिए पूरा, तो आप बर्थडे पार्टी या किसी भी चीज़ करना चाहते हैं, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या कुछ भी पार्टी आप तरह करना चाहते हैं, तो ये जगह पे आप आके आसानी से कर सकते हैं। ये पुराने जमाने के लोग जो सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में जाने के बाद अफोर्ड फील करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि उन लोगों को कैसा लगा इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर बनाकर, और सब कैसा लग रहा है दी आपको इस रेस्टोरेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज्यादा फेवरेट आपको क्या लगा यहाँ खाने का? डेकोरेशन। बाकी आपको दी कैसा लगा? हाँ, डेकोरेशन अच्छा है यहाँ का। बताइए आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, चलिए कोई नहीं। बाकी फूड टेस्ट करके बताइएगा। सीटिंग कैपेसिटी की बात करें गाइस, तो एक बार में 2, 3, 4, 5 कम से कम यहाँ पे एक बार में आप 5 बैठ सकते हैं, यानी आप पूरे ग्रुप के साथ आते हैं तो भी बैठने का बहुत ही अच्छा सुविधा है, और अगर आप एज ए कपल्स आते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो वो साइड वाले एरिया पे बैठ सकते हैं, तो यानी कि सीटिंग कैपेसिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी आपको मिल जाएगा एक बड़ा सा अच्छा सा गद्दा, आप यहाँ पे बैठ के बहुत ही अच्छा कंफर्ट फील कर सकते हैं। आपको सामने में मिल जाएगा मेनू जो कि जो भी आपके अफोर्डेबल प्राइस में है, सभी चीज़ एकदम जेन्युइन रेट जाए, ज़्यादा है नहीं, तो आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, नॉन वेज वेज सारे सुविधाएं अवेलेबल है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छी लग रही है। कैसा लग रहा है भैया? ठीक है भैया, शहर में नया खुला है, शहर में नया खुला है। हाँ। अच्छा है, बेटर है, खाना भी खाए, बहुत अच्छा लगा भैया। हाँ। एक नंबर जबरदस्त, शहर का रौनक है। चलिए आप बताइए भैया कैसा लग रहा है? शहर का रौनक है या अकेले में शहर का रौनक? स्टेडियम की बात करें तो गाइस इतना ज्यादा खूबसूरत शायद इस शहर में आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेगा, नया है, तो आप लोग आइए और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ एक बार यहाँ का टेस्ट जरूर कीजिए। चलते हैं आप लोगों को थोड़ा सा किचन एरिया घुमाते हैं। ये साइड में किचन एरिया और बिना बोले हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आप लोगों को किचन एरिया। तो गाइस अभी हम जय दुर्गे के किचन में आ चुके हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं कितना फ्रेश बन के आता है। तो यहाँ पे सारा तो मंगवाए थे लेकिन इतना ज़्यादा हम खा नहीं पाएंगे, तो जो हमारा फेवरेट है वो रखेंगे, बाकी सभी को भेज देंगे और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके बताएंगे यहाँ का सभी चीज़ का टेस्ट तो कैसा लगता है। वेज नॉन वेज का जो है ना एकदम गर्दा कलेक्शन है गाइस। हमारा चिकन लॉलीपॉप फेवरेट है जो कि फाइनली आ चुका है हमारे पास। आया है, देखिए गाइस देखने में कितना मस्त लग रहा है भाई। जब तक हम ये लॉलीपॉप नहीं खाएंगे ना भाई तब तक हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। इसमें अब हम बताते हैं इस रेस्टोरेंट का जो भी चीज़ अभी हम तक खाए हैं भाई सब एक नंबर, और इतना खाए हैं जितना आज तक नहीं खाए थे। तो गाइस अभी हम जय दुर्गे से बाहर आ चुके हैं, सभी आइटम को एक एक करके हम टेस्ट किए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस टेस्ट। मेरा फेवरेट आप लोगों को बता देते हैं, पनीर मंचूरियन और पनीर मसाला और एक जो कि है लॉलीपॉप गाइस, वो मेरा फेवरेट है। ये तीनों हम सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आप लोग भी अगर इस शहर के आसपास से हैं तो एक बार आप आइए जय दुर्गे और यहाँ का ट्राई जरूर कीजिएगा, किसी भी आइटम को मज़ा आ जाएगा। बाकी गाइस पूरा डिटेल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो बाय।